रायपुर के अधूरे स्काईवॉक का काम अब पूरा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल विधानसभा में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शहर के अधूरे स्काईवॉक को पुराने डिजाइन के अनुसार पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा इसके निर्माण को रोका गया था, लेकिन अब फिर से इसे बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके निर्णय ले लिया गया है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है।